तो देख सकते हैं यहाँ पे किसान है जो लगातार अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, लगातार दिल्ली की तरफ पे हैं। हरियाणा का जो बॉर्डर पर प्रशासन ने बड़े बड़े नाका लगाने का काम किया, बड़ा नाका लगाने की किसानों को नहीं जाने देंगे, लेकिन किसान है जो अभी चल पड़े हैं। देख सकते हैं आप हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है खनौरी के पास जो बैरिकेडिंग करी गई है यहाँ पर पहुँचने वाला है, पहुँच चुका है बिल्कुल। और देख सकते हैं आप कितना बड़ा काफिला है, बड़ा काफिला है। और दिल्ली कूच का जो ऐलान था 13 तारीख का, तो आज 13 तारीख है और किसानों ने जो अपना रुख है जो दिल्ली की तरफ जाने का बना लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर बताया गया कि 5,000 तक के ट्रैक्टर जो इस काफिले में शामिल हैं। और झंडा, किसानी झंडा देख सकते हैं यहाँ पे, बुलेट गाड़ी ट्रैक्टर सारे की सारे किसान हैं जो एक साथ है जो निकल पड़े हैं। जो सुबह मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद है जो अभी, तो देख सकते हैं यहाँ पे किसान है जो लगातार अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, लगातार दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। कितना बड़ा काफिला है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे आगे जो बैरिकेडिंग करी गई है, किसानों का कहना है कि हम बैरिकेड को तोड़ देंगे, पहले भी हमने जो बैरिकेडिंग तोड़ के ने दिल्ली गए थे और अब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हालात में जो पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मांगों को लेकर ना लगातार संघर्ष करेंगे और सरकार से जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे, सरकार ने जो वादा किया था उसी को लेकर ना हम दिल्ली जा रहे हैं। और बैरिकेडिंग लगाना, आम लोगों को परेशान करना, सरकार प्रशासन बिल्कुल गलत कर रही है, तानाशाही कर रही है, किसानों का कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बड़े जोश और उत्साह के साथ नज़र आ रहे हैं, बड़ा जोश और उत्साह है नज़र आ रहा है किसानों के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा हौसला जज्बा जुनून, बड़ा हौसला जज्बा जुनून किसानों के अंदर देखने को मिल रहा है। और बड़ा काफिला, ये बहुत बड़ा काफिला है। और आगे टोल देख सकते हैं यहाँ पे, टोल बिल्कुल फ्री है आज, उस तरफ भी है, दोनों साइड से है जो किसानी ट्रैक्टर किसानी गाड़ियाँ चल रही हैं सभी किसानी झंडे के साथ। बड़ा काफिला है, बड़ा काफिला, सुबह से मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद है जो सभी ट्रैक्टरों का गाड़ियों का किसानों का काफिला जो एक साथ निकला है। और अभी जो बॉर्डर है पंजाब हरियाणा खनौरी, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पर जो पहुँच रहे हैं सभी किसान एक साथ एक आवाज़ में एक बड़े काफिले के साथ। दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी जो सख्ती के मूड में बैरिकेडिंग करी गई है कि हम बिल्कुल भी जो दिल्ली नहीं जाने देंगे, हरियाणा पार नहीं करने देंगे और यहीं पर रोकने का काम करेंगे, पंजाब के किसानों के जो पंजाब में रोकने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ किसानों ने भी जो अपनी तैयारियां जो कर ली है और अभी देख सकते हैं किस हौसले जज्बे के साथ है जो किसान चल रहे हैं। जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था उसी की तरह किसानों ने दोबारा अपनी तैयारी खींच ली है और ट्रैक्टरों में जो रहने खाने की व्यवस्था भी साथ के साथ कर ली है, क्योंकि पक्का प्रबंध करके ना किसान चल पड़े हैं, अभी पक्का प्रबंध कर लिया किसानों ने और पक्के प्रबंध के साथ चले हैं। तो ये देख लो भाई, जो अपने गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन किसान लगातार डटे रहेंगे, तैयारी इस तरह से किसानों ने कर ली है, सर्दी गर्मी से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। तो देख भी रहे हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा काफिला, बड़ा जुनून किसानों में नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं आप जहाँ तक का भी प्रयास हो रहा है, हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं किसानी झंडे के साथ। तो देख सकते हैं आप बड़ा जुनून बड़ा हौसला किसानों के अंदर देखने को मिल रहा है और पूरी तैयारी खींच ली है। तो साथियों आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आज की लेटेस्ट अपडेट है ये, जो मीटिंग के बाद है जो किसानों का काफिला चला है वो अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि हरियाणा के 7 जिलों में नेट बंद है तो शेयर नहीं हो पा रही। और बड़ा काफिला भाई, बहुत लंबा काफिला, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है यहाँ पर है।